फाइनली आप सभी लोगों के आईफोन में iOS 18.1 का जो नया अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो एस्टेबल बिल अपने आईफोन में डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि काफी सारी बग्स है वो मुझे इस अपडेट में देखने को मिली थी। तो आप लोगों को भी ये जो अपडेट है और ये जो बग्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला बग्स मेरे को iOS 18.1 में देखने को मिला है वो है एप्लीकेशन क्रैश इश्यू। यहाँ पर इंस्टाग्राम, पबजी, BGMI और भी काफी सारी एप्लीकेशन है वो काफी टाइम यहाँ पर क्रैश कर रही है। जैसे कि यहाँ पर YouTube स्टूडियो में ओपन करता हूँ तो विद इन 1 सेकंड में मेरा YouTube स्टूडियो है वो क्रैश कर जा रहा है। तो ये जो इश्यू है वो काफी सारे यूजर्स को देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा इश्यू देखने को मिलेगा तो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला इश्यू देखने को मिला है वो है कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पर देख सकते हैं काफी टाइम यहाँ पर जो सारे टॉगल है वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाते हैं और कभी कभार ये जो आइकन है वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेंडमली जो सारे टॉगल है वो आते हैं और जाते हैं। तो कुछ इस तरह का इश्यू मेरे को देखने को मिला है। अगला जो बग्स मेरे को देखने को मिला है वो भी कंट्रोल सेंटर में है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कंट्रोल सेंटर में टोटल अभी 4 पेज है। तो यहाँ पर मैं एक टॉगल बटन को रिमूव करता हूँ तो अभी राइट नाउ यहाँ पर मेरे 3 पैनल हो चुके हैं कंट्रोल पैनल में। जैसे कि यहाँ पर 1, 2 और 3 आप देख सकते हैं। पर जैसे मैं कंट्रोल सेंटर को करता हूँ क्लोज और अगेन स्वाइप अप करूंगा तो देख सकते हैं 4th पेज मेरा ऑटो क्रिएट हो जा रहा है। इसके बाद काफी सारे यूजर के डिवाइस में यहाँ पर कीबोर्ड में इमोजी सेक्शन है वो मिस हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ऐसा भी इश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन इश्यू, आईफोन स्टक इश्यू और भी जो इश्यू है, जैसे कि यहाँ पर पिछले टाइम मिला था कैमरा डेड हो जाता था, कैमरा स्टक हो जाता था, तो ऐसा प्रॉब्लम अभी iOS 18.1 में कुछ ही यूजर को देखने को मिला है। बट ओवरऑल iOS 18.1 का जो अपडेट है वो काफी स्मूथ है, काफी सारे न्यू फीचर आए हैं। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग, एप्पल इंटेलिजेंस और भी काफी सारे मस्त मस्त फीचर्स देखने को मिले हैं। तो इसके हिसाब से आप iOS 18.1 को डाउनलोड भी कर सकते हैं और जैसे आगे बताया वैसी बग्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप iOS 18.1 के A to Z सारे न्यू फीचर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो पर टैप कीजिए और नया वीडियो चेकआउट कीजिएगा।